नमस्कार, मी सुवर्णा जोशी। 2019 लोकसभा निवडणुकीचा महासंग्राम सुरू झालेला आहे। अरुणाचल प्रदेश पासीघाट इथं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सभा, त्याचं थेट प्रक्षेपण। 3 करोड से अधिक परिवार 2014 में अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे और देश के अंदर 18,000 गांव जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी। आपके इस चौकीदार ने 1,000 दिन के भीतर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा और 1,000 दिन के भीतर वादा पूरा करके दिखाया। भाई, इतना ही नहीं, देश के 2.5 करोड़ से अधिक घरों को भी इस चौकीदार की सरकार रोशन कर चुकी है, अंधेरा मिटा चुकी है। भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, कांग्रेस ने देश में अलगाववाद बढ़ाने के लिए, हिंसा को प्रोत्साहन देने के लिए, देश को गाली देने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए भी एक योजना बनाई है। जो तिरंगे झंडे को जलाते हैं उसका अपमान करते हैं, जो आपकी तरह जय हिंद नहीं लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं, जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेलते हैं, जो हमारी विरासत का अपमान करते हैं, जो बाबा साहब आम्बेडकर जैसे मनीषियों की मूर्तियां तोड़ते हैं, ऐसे लोगों से भी कांग्रेस को सहानुभूति है। जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप मुझे बताइए, क्या देशद्रोह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? देशद्रोहियों के लिए कठोर कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर देशद्रोहियों को खिली छूट दे दी जाएगी तो आप लोगों को मुसीबत आएगी कि नहीं आएगी? देश में संकट आएगा कि नहीं आएगा? इनको क्या हो गया? भाइयों, साथियों, एक तरफ आपका ये चौकीदार देश के वीर सपूत, देश को तोड़ने वालों के खिलाफ खड़ा हो रहा है, देश के भीतर हो या देश के बाहर, भारत मां पर हमला करने वालों के खिलाफ आपका ये चौकीदार कठोर कार्रवाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विचारों से दिवालिये हो चुकी कांग्रेस सत्ता में वापसी की छटपटाहट में आज इतनी नीचे गिर चुकी है। क्या ये देश में अलगाव की आवाज को मजबूत करने की कोशिश नहीं है? कांग्रेस का हाथ देश के साथ है या देशद्रोहियों के साथ है? इस चुनाव में देश का नागरिक कांग्रेस पार्टी के इन बातों का पूरा जवाब मांग करके रहेगा। आप सभी मिलकर कांग्रेस और महागठबंधन के नाम पर बना महामिलावटी लोग, उनकी जमानत जब्त कराएंगे कि नहीं कराएंगे? उनको पूरी तरह हराएंगे कि नहीं हराएंगे? उनको हमेशा के लिए घर भेज देंगे कि नहीं भेज देंगे? भाइयों, अरुणाचल को बचाने के लिए, अरुणाचल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेमा खांडू जी के हाथ मजबूत करना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना जरूरी है। दिल्ली में भी कमल का इंजन हो, अरुणाचल में भी कमल का इंजन हो, फिर देखिए अरुणाचल की गाड़ी कैसी तेज चलती है। भाई, आप आश्वस्त रहिए, जब तक ये चौकीदार है तब तक
देश को तोड़ने के बारे में सोचने वालों को 100 बार सोचना पड़ेगा। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। यही अरुणाचल के आप सभी साथियों की प्रेरणा है, यही 130 करोड़ भारतवासियों का प्रण है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सभा, काँग्रेसवर त्यांनी हल्लाबोल केला, पण आज विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका वेगळ्या लुकमध्ये बघायला मिळाले। गळ्यात मफलर होता, वर हॅट होती, असा एक वेगळा लुक त्यांचा अरुणाचल प्रदेशमध्ये बघायला मिळाला।